प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की पावन अमृत वाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें माता लक्ष्मी की अद्भुत महिमा और अलौकिक कथाओं का भी वर्णन रहेगा। तो आइए माता के चरणारविंदों में ध्यान लगाकर पावन अमृत वाणी का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की। जय जय महालक्ष्मी माता, परम दयामय जन सुख दाता। जय जय महालक्ष्मी माता, परम दयामय जन सुख दाता। महिमा परम पार तुम्हारी कहते वेद पुराण, महिमा परम पार तुम्हारी कहते वेद पुराण। जो करता गुणगान होता है कल्याण, जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता महालक्ष्मी ही संपूर्ण सृष्टि को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने वाली हैं। समस्त देवता, नाग, गंधर्व, सिद्ध और संत जन सदैव इनके पावन चरणाबिंद का ध्यान किया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दानव मानव और सिद्ध जन करते हैं निश दिन ओ वंदन। माँ सब पर करुणा करती है, पाप साप संकट हरती है। जो भी माँ का ध्यान लगाए वह मन वांछित फल को पाए। दुख दरिद्र दोष मिट जाए, माता को जो सदा मनाए। माता की भक्ति से मिलता मुँह मांगा वरदान, माता की भक्ति से मिलता मुँह मांगा वरदान। जो करता गुणगान होता है कल्याण, जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली परम कल्याण की साकार मूर्ति हैं। ये अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए स्वयं चंडी स्वरूपा माता काली का और सिंहवाहिनी माता दुर्गा हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दुर्गम काज बनाने वाली सिंहवाहिनी दुर्गा काली। पाटन मुंबा दंत कुमारी महिमा सारे जग से न्यारी। रूप शारदा का जब धारा देसु बुद्धि जन जन को तारा। दिव्य ज्ञान जग में विस्तारा मिटा मोह माया भ्रम सारा। अगणित रूप बना कर माता रखती सबका ध्यान, अगणित रूप बना कर माता रखती सबका ध्यान। जो करता गुणगान होता है कल्याण,
प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के अनंत स्वरूप हैं। अलग अलग रूपों को धारण करके माता अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सहित समस्त तारा मंडल आकाश में स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ माता लक्ष्मी में समाहित हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। जड़ चेतन जग जीवन धारा, परम प्रकाश घोर अंधियारा, सकल विश्व संपूर्ण चराचर, सब माँ की इच्छा पर निर्भर। जब माता की इच्छा होती, सीप बीच तब चमके मोती, जल में थल में नील गगन में, माँ की छाया मंद पवन में, हाथ जोड़ता माँ के आगे विधि का स्वयं विधान, हाथ जोड़ता माँ के आगे विधि का स्वयं विधान, जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के आगे विधाता श्री ब्रह्मा जी का समस्त नियम सदा सर्वदा नतमस्तक रहता है। संपूर्ण सृष्टि की समस्त गतिविधियां माता लक्ष्मी के निर्देशों पर ही कार्य करती है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक के समस्त वैभव माता लक्ष्मी के ही अधीन रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दसों दिशा में माँ का शासन, सब लोगों पर है अनुशासन, कण कण में माता की ज्योति, चारों ओर सदा जय होती। सूर्य देवती हूँ लोक प्रकाशक, माँ लक्ष्मी के परम उपासक, इंद्र सदा ही सेवा करते, सुख वैभव से झोली भरते, माँ की भक्ति से होते हैं काज सभी आसान, माँ की भक्ति से होते हैं काज सभी आसान, जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी महर्षि भृगु की पुत्री मानी जाती हैं। इनकी माता का नाम ख्याति और भाइयों का नाम दाता और विधाता था। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गुण और प्रभावों को सुनकर उनका वर्णन किया और सदा सर्वदा वैकुंठ लोक में उनके साथ रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय।
विष्णु धाम शुभ वास बना है, माँ का दिव्य निवास बना है। हरि के वाम भाग में राजे, स्वर्ण सिंहासन मात विराजे। रूप मनोहर मंगलकारी, रोग दोष दुख दारिद हारी। काम क्रोध मद मोह न सावन, भक्ति विवेक विराग बढ़ावन। माँ की दिव्य अलौकिक शोभा और न जग में आन। माँ की दिव्य अलौकिक शोभा और न जग में आन। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी का दूसरा अवतार क्षीर सागर से माना जाता है। जब देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब माता लक्ष्मी का अवतार हुआ। ब्रह्मदेव ने स्वयंवर नाम की एक प्रथा चलाई और माता लक्ष्मी ने पुनः भगवान विष्णु का वरण करके सृष्टि को भक्ति और वैभव से संपन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। चारों ओर परम सुख छाया, देवों ने त्योहार मनाया। कमल पुष्प है माँ का आसन, मृदु स्वभाव सदा शुभ पावन। शीश मुकुट रत्नों का सोहे, रक्त वर्ण पट मन को मोहे। गले फूल माला अति साजे, पाँव में पैजनी छन छन बाजे। उपमा दूजी और न कोई, माँ की छठा समान। उपमा दूजी और न कोई, माँ की छठा समान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के दो प्रमुख रूप बताए गए हैं, भू देवी और श्री देवी। माता भू देवी को पृथ्वी और श्री देवी को स्वर्ग लोक की स्वामिनी कहा जाता है। माता भू देवी अन्न और स्वर्ण आदि की वर्षा करती हैं, तथा माता श्री देवी सुख समृद्धि और पहचान को प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। भूदेवी श्री देवी माता, भक्त जनों की भाग्य विधाता। अष्ट रूप माँ का अति प्यारा, सुर नर मुनि का सदा सहारा। अष्ट रूप जो माँ का ध्याए, उस पर संकट कभी न छाए। घर में सदा सुमति शुभ आए, सब जन का मन अति हर्षाए।
माता सबका पालन करती सब माँ की संतान। माता सबका पालन करती सब माँ की संतान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत आदि का कुछ विशेष नियम है। यदि कोई शुद्ध भाव से इन नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तो उस पर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। प्रातः काल स्नान आदि करके गुलाबी अथवा सफेद वस्त्र धारण करें और फिर ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माँ की मूर्ति मन में धारे, भाव सहित शुभ मंत्र उचारे। मंत्र जाप में ऐसी शक्ति मिलती है पापों से अब मुक्ति। दिव्य प्रभाव जानना है तो जाप स्फटिक माला से हो। शुक्रवार दिन व्रत जो करता उससे घोर पाप भी डरता। शुक्रवार व्रत से बढ़ता है मान और सम्मान। शुक्रवार व्रत से बढ़ता है मान और सम्मान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, जिस भी साधक को नियमित धन प्राप्ति की इच्छा हो उसे अपने घर में माता लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो। चित्र के सामने घी का दीप जलाएं और फिर चारों तरफ इत्र का प्रयोग करें। धन की बचत के लिए माता को चांदी का सिक्का अर्पित करना विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी का नाम जपे जो कष्टों से मुक्ति पाए। वो कठिनाई पथ में ना आए, मिले सफलता मन हर्षाए। निसंतान सूत सुख पाए, चतुर दिशाओं में यश छाए। मात लक्ष्मी का शुभ पूजन करे सुखी भक्तों का जीवन। माँ का नाम जपे जो निश दिन पाए पद निर्वाण। माँ का नाम जपे जो निश दिन पाए पद निर्वाण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की दया के बिना मनुष्य का जीवन बड़ा ही कठिन और
संकटों से भरा होता है। ना ही कहीं मान सम्मान मिलता है और ना ही मन की कोई आकांक्षा पूरी हो पाती है। इसलिए अपने लोक और प्रलोक दोनों को संवारने के लिए माता लक्ष्मी के नाम का पावन आश्रय पकड़ लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। मन में मंदिर एक बना लो, उसमें माँ की ज्योति जला लो। तन मन से माँ के हो जाओ, माँ की भक्ति में खो जाओ। सोई किस्मत पुनः जगेगी, भव से नैया पार लगेगी। कवि सानंद सुनील सदा ही भक्ति भाव करता है माँ की। माँ लक्ष्मी भक्तों को करती चीर संपत्ति प्रदान। माँ लक्ष्मी भक्तों को करती चीर संपत्ति प्रदान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की पावन अमृत वाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें माता लक्ष्मी की अद्भुत महिमा और अलौकिक कथाओं का भी वर्णन रहेगा। तो आइए माता के चरणारविंदों में ध्यान लगाकर पावन अमृत वाणी का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की। जय जय महालक्ष्मी माता, परम दयामय जन सुखदाता। जय जय महालक्ष्मी माता, परम दयामय जन सुखदाता। महिमा परम पार तुम्हारी कहते वेद पुराण। महिमा परम पार तुम्हारी कहते वेद पुराण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है। प्रिय भक्तों, माता महालक्ष्मी ही संपूर्ण सृष्टि को ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने वाली हैं। समस्त देवता, नाग, गंधर्व, सिद्ध और संत जन सदैव इनके पावन चरणाविंद का ध्यान किया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दानव मानव और सिद्ध जन करते हैं निश दिन ओ वंदन। माँ सब पर करुणा करती है, पाप साप संकट हरती है। जो भी माँ का ध्यान लगाए वह मन वांछित फल को पाए। दुख दरिद्र दोष मिट जाए, माता को जो सदा मनाए। माता की भक्ति से मिलता मुँह मांगा वरदान।
माता की भक्ति से मिलता मुँह मांगा वरदान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली परम कल्याण की साकार मूर्ति हैं। ये अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए स्वयं चंडी स्वरूपा माता काली का और सिंह वाहिनी माता दुर्गा हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दुर्गम काज बनाने वाली सिंह वाहिनी दुर्गा काली, पाटन मुंबा दंत कुमारी, महिमा सारे जग से न्यारी। रूप शारदा का जब धारा, देसु बुद्धि जन जन को तारा, दिव्य ज्ञान जग में विस्तारा, मिटा मोह माया भ्रम सारा। अगणित रूप बना कर माता रखती सबका ध्यान, अगणित रूप बना कर माता रखती सबका ध्यान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के अनंत स्वरूप हैं। अलग अलग रूपों को धारण करके माता अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र सहित समस्त तारा मंडल आकाश में स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ माता लक्ष्मी में समाहित हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। जड़ चेतन जग जीवन धारा, परम प्रकाश घोर अंधियारा, सकल विश्व संपूर्ण चराचर सब माँ की इच्छा पर निर्भर। जब माता की इच्छा होती सीप बीच तब चमके मोती, जल में थल में नील गगन में माँ की छाया मंद पवन में। हाथ जोड़ता माँ के आगे विधि का स्वयं विधान, हाथ जोड़ता माँ के आगे विधि का स्वयं विधान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के आगे विधाता श्री ब्रह्मा जी का समस्त नियम सदा सर्वदा नतमस्तक रहता है। संपूर्ण सृष्टि की समस्त गतिविधियां माता लक्ष्मी के निर्देशों पर ही कार्य करती है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक के समस्त वैभव माता लक्ष्मी के ही अधीन रहते हैं।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। दसु दिशा में माँ का शासन, सब लोगों पर है अनुशासन। कण कण में माता की ज्योति, चारों ओर सदा जय होती। सूर्य देव तिहु लोक प्रकाशक, माँ लक्ष्मी के परम उपासक। इंद्र सदा ही सेवा करते, सुख वैभव से झोली भरते। माँ की भक्ति से होते हैं काज सभी आसान। माँ की भक्ति से होते हैं काज सभी आसान। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी महर्षि भृगु की पुत्री मानी जाती हैं। इनकी माता का नाम ख्याति और भाइयों का नाम दाता और विधाता था। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गुण और प्रभावों को सुनकर उनका वर्णन किया और सदा सर्वदा वैकुंठ लोक में उनके साथ रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। विष्णु धाम शुभ वास बना है, माँ का दिव्य निवास बना है। हरि के वाम भाग में राजे, स्वर्ण सिंहासन मात विराजे। रूप मनोहर मंगलकारी, रोग दोष दुख दारिद हारी। काम क्रोध मद मोहन सावन, भक्ति विवेक विराग बढ़ावन। माँ की दिव्य अलौकिक शोभा और न जग में आन। माँ की दिव्य अलौकिक शोभा और न जग में आन। जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता ये भक्तों, माता लक्ष्मी का दूसरा अवतार क्षीर सागर से माना जाता है। जब देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब माता लक्ष्मी का अवतार हुआ। ब्रह्मदेव ने स्वयंवर नाम की एक प्रथा चलाई और माता लक्ष्मी ने पुनः भगवान विष्णु का वरण करके सृष्टि को भक्ति और वैभव से संपन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। चारों ओर परम सुख छाया, देवों ने त्योहार मनाया। कमल पुष्प है माँ का आसन, मृदु स्वभाव सदा शुभ पावन। शीश मुकुट रत्नों का सोहे, रक्त वर्ण पट मन को मोहे। गले फूल माला अति साजे, पाँव में पैजनी छन छन बाजे। उपमा दूजी और न कोई, माँ की छठा समान।
उपमधु जी और न कोई माँ की छठा समान। जो करता गुणगान होता है कल्याण, जो करता प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के दो प्रमुख रूप बताए गए हैं, भू देवी और श्री देवी। माता भू देवी को पृथ्वी और श्री देवी को स्वर्ग लोक की स्वामिनी कहा जाता है। माता भू देवी अन्न और स्वर्ण आदि की वर्षा करती हैं तथा माता श्री देवी सुख समृद्धि और पहचान को प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। भूदेवी श्री देवी माता भक्त जनों की भाग्य विधाता, अष्ट रूप माँ का अति प्यारा, सुर नर मुनि का सदा सहारा। अष्ट रूप जो माँ का ध्याए, उस पर संकट कभी न छाए, घर में सदा सुमति शुभ आए, सब जन का मन अति हर्षाए। माता सबका पालन करती, सब माँ की संतान। माता सबका पालन करती, सब माँ की संतान। जो करता गुणगान होता है कल्याण, जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत आदि का कुछ विशेष नियम है। यदि कोई शुद्ध भाव से इन नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तो उस पर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके गुलाबी अथवा सफेद वस्त्र धारण करें और फिर ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माँ की मूर्ति मन में धारे, भाव सहित शुभ मंत्र उचारे, मंत्र जाप में ऐसी शक्ति मिलती है पापों से अब मुक्ति। दिव्य प्रभाव जानना है तो जाप स्फटिक माला से हो, शुक्रवार दिन व्रत जो करता उससे घोर पाप भी डरता। शुक्रवार व्रत से बढ़ता है मान और सम्मान, शुक्रवार व्रत से बढ़ता है मान और सम्मान। जो करता गुणगान होता है कल्याण, जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, जिस भी साधक को नियमित धन प्राप्ति की इच्छा हो उसे अपने घर में माता लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो।
चित्र के सामने घी का दीप जलाएं और फिर चारों तरफ इत्र का प्रयोग करें। धन की बचत के लिए माता को चांदी का सिक्का अर्पित करना विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी का नाम जपे जो कष्टों से मुक्ति पाए, वो कठिनाई पथ में ना आए, मिले सफलता मन हर्षाए। नी संतान सूत सुख पाए, चतुर दिशाओं में यश छाए, मात लक्ष्मी का शुभ पूजन करे सुखी भक्तों का जीवन। माँ का नाम जपे जो निश दिन पाए पद निर्वाण, माँ का नाम जपे जो निश दिन पाए पद निर्वाण, जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की दया के बिना मनुष्य का जीवन बड़ा ही कठिन और संकटों से भरा होता है। ना ही कहीं मान सम्मान मिलता है और ना ही मन की कोई आकांक्षा पूरी हो पाती है। इसलिए अपने लोक और प्रलोक दोनों को संवारने के लिए माता लक्ष्मी के नाम का पावन आश्रय पकड़ लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। मन में मंदिर एक बना लो, उसमें माँ की ज्योति जला लो, तन मन से माँ के हो जाओ, माँ की भक्ति में खो जाओ। सोई किस्मत पुनः जगेगी, भव से नैया पार लगेगी, कवि सानंद सुनील सदा ही भक्ति भाव करता है माँ की। माँ लक्ष्मी भक्तों को करती चिर संपत्ति प्रदान, माँ लक्ष्मी भक्तों को करती चिर संपत्ति प्रदान, जो करता गुणगान होता है कल्याण। जो करता गुणगान होता है कल्याण। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को वैभवों और सुखों से संपन्न करने वाली माता लक्ष्मी ही हैं। आइए आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की पावन महिमा इस संगीतमय गाथा के माध्यम से श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी, है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी।
माता के हाथ में है सृष्टि की शक्ति सारी, माता के हाथ में है सृष्टि की शक्ति सारी। जनों, एक बार मुनि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक फूलों का हार भेंट किया था। देवराज इंद्र ने अपने पद के अहंकार में वो हार मुनि की आंखों को बचाकर फेंक दिया, परंतु ऋषि दुर्वासा ने उसे देख लिया और इंद्र को श्री अर्थात धनहीन होने का श्राप दे दिया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी महारानी की जय। दानव ने आक्रमण कर जब इंद्र को हराया, दानव ने आक्रमण कर जब इंद्र को हराया, तब इंद्र ने कहीं ना कोई उपाय पाया, तब इंद्र ने कहीं ना कोई उपाय पाया। छाया सुरेश पर अब संकट बड़ा ही भारी, छाया सुरेश पर अब संकट बड़ा ही भारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी, है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। जनों, श्राप के प्रभाव से इंद्र की दशा भिखारियों जैसी हो गई और माता लक्ष्मी स्वर्ग से निकलकर समुद्र में प्रविष्ट कर गई। तीनों लोकों में कंगाली और भुखमरी छा गई। जब देवराज इंद्र को कोई उचित उपाय न मिला, तब इन्होंने समस्त देवताओं और सिद्ध मुनियों के साथ माता लक्ष्मी की प्रार्थना की। अब आगे सुनिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। जब सारे देवता ने माता के गुण को गाया, जब सारे देवता ने माता के गुण को गाया, तब माता लक्ष्मी ने देवों का दुख मिटाया, तब माता लक्ष्मी ने देवों का दुख मिटाया। माता की शुभ दया से सब हो गए सुखारी, माता की शुभ दया से सब हो गए सुखारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी, है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी।
परिजनों, जब देवता और ऋषि मुनियों ने माता लक्ष्मी की प्रार्थना करके उनका अभिषेक किया, तब देवराज इंद्र को मुनि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिल गई और तीनों लोक समृद्धिशाली तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। देवराज इंद्र को स्वर्ग का वैभव पुनः प्राप्त हो गया और फिर उन्होंने देवस्तुति से किस प्रकार माता का धन्यवाद किया, आइए श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की लक्ष्मी की करुणा से स्वर्ग जब मिला है, माँ लक्ष्मी की करुणा से स्वर्ग जब मिला है, तब देवराज का मन भक्तों पुनः खिला है, तब देवराज का मन भक्तों पुनः खिला है। बोले हैं इंद्र माता, हो आप कष्टहारी, बोले हैं इंद्र माता, हो आप कष्टहारी। भक्तजनों, देवराज इंद्र बड़े भाव के साथ माता लक्ष्मी की विनती करते हैं कि हे माता, आप श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित हैं, आपके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल का पुष्प अत्यंत सुशोभित हो रहा है। हे महामाया, हे महालक्ष्मी, आपको बारंबार प्रणाम है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हे भगवती भवानी, कष्टों को हरने वाली, हे भगवती भवानी, कष्टों को हरने वाली, जो भी शरण में आया लौटा कभी न खाली, जो भी शरण में आया लौटा कभी न खाली। हे माता आप तो हो हरि की अतीव प्यारी, हे माता आप तो हो हरि की अतीव प्यारी। भक्तजनों, देवराज इंद्र कहते हैं कि हे माता, आप स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, आप ही ईश्वर की महाशक्ति समस्त प्रकार के पाप ताप और श्रापों का संहार करने वाली हो। यदि आपकी दया न होती तो हमें स्वर्ग पुनः प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता। हे माता, आपके चरणों में करोड़ों बार प्रणाम है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,
लक्ष्मी माता की जय। हे माता आप ही तो वैकुंठ वासिनी हो, हे माता आप ही तो वैकुंठ वासिनी हो, सब भेद जानती हो, कण कण निवासिनी हो, सब भेद जानती हो, कण कण निवासिनी हो। हे माता आप ही तो हो अष्ट रूप धारी, हे माता आप ही तो हो अष्ट रूप धारी। हे माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी, हे माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। भक्तजनों, देवराज इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं कि हे माता, आप आदि और अनंत से परे समस्त रिद्धि और सिद्धियों की परम पावन स्थान हो। आपके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में सुगंधित फूलों की माला एवं प्रत्येक अंगों के रत्नों का दिव्य आभूषण सुशोभित हो रहा है। हे माता, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। हे माता आप ही तो हो शारदा वकाली, हे माता आप ही तो हो शारदा वकाली, भय को मिटाने वाली, कल्याण करने वाली, भय को मिटाने वाली, कल्याण करने वाली। ममता लुटाती सब पे राजा हो या भिखारी, ममता लुटाती सब पे राजा हो या भिखारी। हे माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी, हे माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। भक्तजनों, देवराज इंद्र ने इस प्रकार बड़े भाव के साथ स्तुति करके माता महालक्ष्मी का आभार प्रकट किया। माता लक्ष्मी की दया से ही यक्षपति कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष बनकर पूजनीय हो गए। जिस पर भी माता लक्ष्मी की दया हो जाती है, उसका समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी का ध्यान जब लगाया, ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी का ध्यान जब लगाया, तब माता की दया से सब लोक है सजाया, तब माता की दया से
सब लोक है सजाया। माँ के चरण कमल का हर जीव है पुजारी। माँ के चरण कमल का हर जीव है पुजारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। जनों, ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो माता महालक्ष्मी की दया से रहित हो। जिस पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती, उसे कहीं भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता और उसे अपने जीवन में अनेकों कष्टों को भोग करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को संवारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को माता लक्ष्मी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। आठों प्रहर सदा ही माता को जो मनाए। आठों प्रहर सदा ही माता को जो मनाए। वो ही जगत में भक्तों सुख और शांति पाए। वो ही जगत में भक्तों सुख और शांति पाए। होती निरोगी काया, मिटती है सब बीमारी। होती निरोगी काया, मिटती है सब बीमारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। भक्तजनों, माता महालक्ष्मी के पावन नाम का जो भी नित्य प्रति स्मरण करता है, उसे कभी धन का अभाव नहीं होता और दरिद्रता का दुख उसके आसपास भी नहीं भटकता। जो भी माता के दिव्य स्त्रोत का पाठ करके माता का चिंतन करता है, उसका लोक और परलोक दोनों ही सवर जाता है तथा अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी की महिमा जो भाव से है गाथा। माँ लक्ष्मी की महिमा जो भाव से है गाथा। आलोक सानंद अंत में कैवल्य पद है पाता। मनोज बंटी अंत में कैवल्य पद है पाता। माँ लक्ष्मी के गुण को गाते स्वयं पुरारी। माँ लक्ष्मी के गुण को गाते स्वयं पुरारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। है माता लक्ष्मी की महिमा तो सबसे न्यारी। माता के हाथ में है
सृष्टि की शक्ति सारी माता के हाथ में है, सृष्टि की शक्ति सारी है।